ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी नेकदा के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइम तकरीबन अभी 5 का होने वाला है। माशाल्लाह से बाहर हम आए हुए हैं, बाहर का मौसम जो है बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं आप लोग, हवा चली हुई है और बाहर के मौसम में देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ हरियाली है, लेकिन गंदम की फसलें जो है उनकी मौसम अभी पकने की है तो वो येलो कलर की माशाल्लाह से हो रही हैं। और आज जो है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने गर्मियों का ड्रेस पहना हुआ है, काफ़ी गर्मी अब दोपहर को होती है, शाम को फिर भी हवा चलती है, मौसम अच्छा हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होगी, क्योंकि आज जो है ना मेरे अबू जो गए हुए थे तो वापस आ गए हैं, और काफ़ी सारा सामान ले आए, काफ़ी मिठाई वहाँ की, तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के साथ आप लोग ने जुड़े रहना है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर भी करें। फरहान जो है माशाल्लाह से बहुत ही खुश है, और अम्मी भी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरहान सलाम करो। सलाम वालेकुम। तो गर्मी अंदर बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी ये देखे पंखा जो है ना हमारा खराब है, नहीं तो अभी चला होता। तो अब जो है ना माह रमजान स्टार्ट होने वाले, इंशाल्लाह इसको 2-3 दिन के अंदर ही बनवा लेंगे। तो फिर माह रमजान में जो है ना रोजे भी रखने हैं, गर्मी होती है काफी दिन को अंदर सोएंगे, तो काफी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी माशाल्लाह से ये देख सकते हैं फरहान की ये कैप जो है बोले कहे थे किसको पहनाते हैं, ये पिस्तौल, ये गन भी है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। करीब से दिखाना फरहान, ये देखें, बहुत शौक था ना फरहान तुम्हें, वो जो नकली पटाख करते थे ना, अब असली ये देखे आपको गन देखे आपके लिए बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और इसके अलावा बाकी जो हमारे घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे छोटे चाचू के बेटे और जाजस वगैरह की फैमिली, तो उनके लिए भी रुमाल वगैरह और चीज़ें जो है सब कुछ मिठाई वगैरह उनको हमने अलग से उनके लिए थी सब दे दी है, फिक्स जो है ना बांट दी है। और बाकी तकरीबन 2-3 बजे घर आए हैं, अभी हमने अपनी जो है ना मिठाई नहीं ओपन की, तो अभी मैं खोलती हूँ और वहाँ की मिठाई जो है ना कैसे, ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से, ये देखिए नज़र आ रही, अभी इसको ओपन करेंगे। इसके अलावा बाकी जो है आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए फट गए हैं शापर, इतना सफ़र जो है इस वजह से, दूसरी ये आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा तीसरा जो है ना सारा फट गया है शापर, ये देखिए तो भी ओपन करते हैं, इसे जो है ना हम खोल लेते हैं। फरहान जाओ तुम कोई बर्तन ले आओ, प्लेट जाओ, दो प्लेट ले आओ, कैसे खुलेगी, सख्त है काफी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसमें काफी किस्म की इन्हें चीज़ें मिक्स हैं, ये देखें, ये अमी काजू नहीं है, ये देखिए ये मखान है, और इसके अलावा दूसरी ये जो चीज़ है, ये देखें मूंगफली दरा, मूंगफली और ये किशमिश, इसके अलावा इसके अंदर जो मिक्समारे थे वो भी थे, वो बच्चे जो हैं खा गए हैं, ये देखें ये वाइट कलर के, पता नहीं इसको काजू बुलाते हैं क्या बुलाते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग सबसे मेन और सबसे महंगी जो है ना, ये देखें शहतूत सूखे हुए, इसमें भी हैं, ये देखें इसमें से थोड़ी सी मैंने मिठाई जो है निकाली है बाहर, निकाल लेती हूँ क्योंकि सारे गैस ज़ाई नहीं करनी, बाकी जो है ना सारे घर वालों को हमने तकसीम कर दी है, ये देखें अम्मी ये लें टेस्ट करें, तुम बिठा लो, ये देखिए वैसे ये चीजें जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। सारे टेस्ट करें, ये भी देखें ये कैसी है, सही है बनाम भी अब खुश है फरहान, रात रात को तो रोते थे, अब यार इतने रोया है
बार रोए, बड़ी मुश्किल से हमने चुप करवाया है। हमने कहा सुबह आ जाएंगे, तो फिर जना ये चुप हुआ है रात को। फिर कजन वगैरह भी आ गए थे, सब हमने कहा है कि अब जना सो जाओ, रात होगी काफी, रहो तो ना। तो फिर जना बड़ी मुश्किल से सोया है, छोटा है ना अभी, बहुत ज्यादा जना खुश है आज, सुबह से खेलने मसरूफ है। और इसकी ये गन वाली जो इसके अंदर होती है वो कहाँ है, गुम हो गई हमने छत पे। मैं भी सोच रहा अभी छत पे चढ़ रहे थे बार बार, वो किचन वाले कमरे की छत पे, वहां पे जगह भी नहीं है कोई चढ़ने की, वहां पे चढ़ना भी नहीं है तुम्हें, ठीक है, फिर सीढ़ी रख के उठा देंगे तुम्हें, अभी गुम कर देते। वैसे भी हमारी आंखों में और ऐसे निशाने करते थे, इतना तंग किया इसने बहुत ज्यादा। और अभी हाँ ये जाहिर नहीं करनी अभी, ये सारे चूंटियाँ और ये पड़ जाएंगे ना, फिर इनको सेफ जगह पे कहाँ पे रखें, कोई सेफ जगह बताएं। छापर में फुल कस के बंद कर देते हैं, जो देखें। बाकी ये जो है ना फरहान खाता रहेगा कि तंग करता ना, फिर सारी खोल देता है, तो इस वजह से उसको बंद कर देते हैं। और रख देते हैं, और ये जो है ना फरहान खाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर इसको उठा कर इसमें से निकाल देंगे। अभी तकरीबन 7-8 दिन तो फरहान की जो है मज़े हैं ऐसे ना। वाह भाई वाह, माशाल्लाह से ये ले आए, और अब इसके अंदर ये देखिए सेट कर लिया फरहान ने, और ये देखिए वो गई, चलो ले आओ जाओ। ये देखिए ये है जी तरीका इसका, माशाल्लाह से फरहान जो है वो गिलास का ये देखिए निशाना बना रहा है। हाँ यहीं पे प्रैक्टिस करो ना, फिर तुम्हारा निशाना जो है सही हो जाएगा। लग गए हाँ, अब दूर खड़े होके थोड़ा सा दूर हो जाओ, अब दूर खड़े होकर मैंने डाल लिया है, ये देखिए ऐसे डाल लिया। अब मैं वो देखिए ये तो खुद बहुत इसकी काम है, या दोबारा ले आओ, ये ना मुझे नहीं देता, मैंने कहा मुझे भी दिखाओ ना, इधर दिखाओ, अब डाल के दो खुद ही। अच्छा इसको देना, ज़्यादा जोर नहीं देना, मेरा निशाना नहीं है। अम्मी क्या कर रही है, अम्मी के पास चलते हैं, तुम खुद करो। माशाल्लाह से अभी चाय बन रही है, खाने का टाइम है, और अभी अम्मी के काम देखे चाय बना रही है, को कह नहीं पीती। अच्छा ये देखे अभी जो है ना दूध निकाला है थोड़ा सा, बिल्कुल भैंस है ना हमारे, दूध देना बंद कर दिया उसने, 2-3 दिन के बाद देती है। और अभी जानवर माशाल्लाह से घास खा रही है, ये देखे खत्म कर गई है थोड़ा थोड़ा। आज सफाई आज अम्मी कहते सफाई बहुत हुई पड़ी है, वो कैसे, पहले भी तो सफाई करते है ना। किचन की भी सफाई अच्छे से हुई पड़ी है, मैं सफाई कितनी वाल रखनी पड़ा है। तो चलते हैं थोड़ा सा बाहर, गंदम की फसलें देखाते हैं, दाना वगैरह चेक कराते हैं कि पकने लगा है या नहीं लगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से गंदम की फसलें जो है आधी से ज्यादा सिटियाँ जो है वो येलो हो चुकी है, और माशाल्लाह से चारों तरफ जो है ना लहसुन की फसलें स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो दूसरी फसल रूट क्रॉस जो है ना रुक जाते सर्दे में वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी दाना चेक कर लेते हैं पक्का है या नहीं पक्का। ये देखिए माशाल्लाह से दाना बहुत ही मोटा मोटा है, ये देखिए अभी कच्चा है, बस थोड़ा सा थोड़ी सी देर है पकने ही वाला है बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है, बारिश जो है नहीं हुई, चारों तरफ फसलें जो है खड़ी हुई हैं, और माशाल्लाह से औसत भी अच्छी होगी। बाकी आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि गंदम की फसलें जो हैं इनकी बस बारिश ना आए, और ये अच्छे से जो है ना हम काट भी लें और ये थ्रेशर वगैरह लगवा लें। तो बारिश आ गई ना सारा नुकसान हो जाएगा, ये ज़मीन में जो है ये समा जाएंगी, लेट जाएंगी, फिर इनको हाथ से एक तो काटना पड़ता है, दूसरा इनकी औसत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दाने में भी सारी मिट्टी हो जाती है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है हमारा। तो अल्लाह का खास करम, इस तरफ हम जब आ रहे थे ना वापसी पे, तो रास्ते में हम गंदम की फसलें देखते हैं, तो चाचू बोल रहे थे कि माशाल्लाह से सारी फसलें जो है खड़ी हुई हैं, अल्लाह का खास करम है। तो बाकी अब कुछ ही दिन बस देर है, उसके बाद इंशाल्लाह कटाई जो ना शुरू हो जाएगी, चारों तरफ येलो येलो हो चुके हैं, कुछ जो पहले की गई है ना उनकी शायद अभी कटिंग जो है हो रही है कुछ दूर इलाके में, हमारे यहाँ पर वैसे भी सब लेट ही काश्त करते हैं।
तो बाकी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी लाजमी कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा चैनल को भी जो नए मेरे देखने वाले सब्सक्राइब कर लेने, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर भी करनी है। वीडियो कैशन में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब लोग को सेहत तंदरुस्ती व लंबी जिंदगी देर सब लोग पर अपना खास करम फरमाए। तो मैं चल के जो है चाय पी लेती हूँ क्योंकि सुबह से चाय जो है मैंने नहीं पी, मेरे सर में दर्द है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।